बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक धर्म जी भी बहुत फंसी हैं कैसी फिल्में करें, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर हम साथ में कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पैकेज है जिसका नाम है डबल द ट्रबल। डबल द ट्रबल, यू कैन इमेजिन व्हेन वी बोथ आर देयर तो कितनी ट्रबल होगी। और डबल धर्म जी है उसमें और डबल गिप्पी गरेवाल है। गिप्पी गरेवाल इज डूइंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग रोमांटिक लीड। और पहली बार हम दोनों पंजाबी पिक्चर कर रहे हैं हमारे करियर में। हम दोनों ने आई थिंक मैंने अगर 100 पिक्चरें की है धर्म जी, आपने तो पता नहीं कितनी की होंगी, नंबर गिन भूल गए हैं। पहली बार पंजाबी फिल्म हम दोनों कर रहे हैं एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो सबसे हम ये कहना चाहेंगे एंजॉय द फिल्म, है ना। बहुत बहुत मुबारक, आज मेरे घर पे आने तक पहुँच गई है, मैं खा के आ रहा हूँ। मेरे चाहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को गले से लिपटा के जोर से भेज कर ईद की बहुत बहुत मुबारक। लव यू, अल्लाह मियाँ आप सबको खुश रखे और इसी तरह हिंदुस्तान में हम सबका प्यार बना रहे। आज मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स, एंड ये पहली बार ये अवार्ड रखा गया है। और जितने भी NRIs हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में इंडिया का नाम बढ़ाया है, उनको फेलिसिटेट यहाँ पे किया जाएगा। आई थिंक एनीबडी कैन बी एन अचीवर, वेदर इन एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स और लिटरेचर। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है और एंटरटेनमेंट है। हर एक कैटेगरी में जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, दिल बी फेलिसिटेटेड ऑन द शो। अ वेरी हैप्पी ईद एवरीबडी। और जो फास्टिंग आजकल कर रहे हैं वो धूम वो पूरा धूम धड़ाके से खाएँ 7 बजे शहरी के और तारी के बाद। ऐसे इस शो के बाद 12 बजे ख़त्म होगा, फिर मैं पक्का फीसिंग पर जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। Definitely think it's a first that so many Indian international achievers have been awarded in so many various fields, whether it's literature, whether it's business, whether it's film, whether it's whatever. So I think that's really cool, because I feel everybody should be awarded for the good work that they do, and I'm just come to support Indian achieving all over. I'm also a proud Indian and I hope to achieve and make my country proud. It's the first time that I'm performing on my new songs from Humpty, that is Main Tenu, which is the version that I sung, the Samjhava and Blood version. First time I'm performing on that, and it's an amalgamation of basically four songs, Samjhava, Radha, Saturday and Lucky to Lucky Me. And yeah, I'm very excited. I was very very ill 3 days ago, but I was excited to perform here, so I really went. असल में भी रोना आ गया और परफॉर्मेंस में भी रोना आ गया। एक्चुअली जब भी मैं यश जी की आवाज़ सुनती हूँ मुझे एक्चुअली आई मिस हिम, एंड क्योंकि हम लोग रोज़ उनसे मिलते थे, हम उनके साथ खाना खाते थे, एंड मतलब 3 साल मैं उनको जानती थी, इतना लंबा टाइम नहीं है, लेकिन जिस तरह के इंसान यश जी थे, इट वॉज़ वेरी ईजी टू गेट क्लोज टू हिम, सो आई मिस हिम अ लॉट एंड आई वॉज वेरी प्राउड टू डू दिस ट्रिब्यूट फॉर हिम टुडे। I was very nervous actually, because when you do a tribute to Yash Ji, it has to be perfect, because he was a man of perfection, and I wanted, you know, the right songs, I wanted the right look, everything. I wanted it to be my best tribute to him. So I was nervous, but I was very proud that she asked me to do it and no one else. So thank you Poonam Ji, thank you Anil Ji that you asked me. I hope I made everybody including Yash Ji happy. Sabhi darshakon ko Eid Mubarak. नहीं, मैं गाने तो नहीं, बट आई एम हियर टू वॉच द शो, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को जिन्होंने ये IIAA शुरुआत की है, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड, थैंक यू। कुछ भी अचीव करना अच्छा ही लगता है, डेफिनेशन उसकी आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि कितना भी आदमी अचीव कर ले हमेशा कम होता है, और अचीव करना एक ऐसा गोल है जिसकी वजह से हम वो कोशिश में लगे रहते हैं कि बहुत बेहतर काम करें, अच्छा करें, और वो एक दिन अगर रिकॉग्नाइज होता है तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। नहीं, नहीं, हमें तो आज शो की किक अच्छी लगी हुई है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अनिल बोरारका ने, NRIs के लिए अवार्ड रखे हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे देश का नाम विदेशों में जाके ऊंचा किया है उनको हम सम्मान देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है, इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा
ट्रेंड डेफिनेटली शुरू हो रहा है. मुझे लगता है जो जो जितने भी अचीवर्स हैं वो कोई भी फील्ड के हों, उनको एक रिकग्निशन, एक मतलब हौसला अफजाई के लिए ऐसे अवार्ड्स या कोई भी चीज़ हमेशा वेलकम होता है, चाहे वो कोई भी हो किसी भी फील्ड के.